हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों, जनवरी और फरवरी मंथ का एंड हो चुका है। आज है 1 मार्च 2023 और दोस्तों, जनवरी और फरवरी मंथ के टॉप 50 करेंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के उपस्थित हो चुका हूं। तो आप लोग पूरा करेंट अफेयर देखिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग के एग्जाम के पार्ट्स बन सकते हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट हैं। और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, देखिए पहली महिला पुलिस कमिश्नर पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह बनी है। उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत। राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच बोलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इतना चीज आपको उत्तर प्रदेश से जरूर ध्यान रखना है। हाल ही में किसे ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है? ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना, दोनों को नामित किया गया है। तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है ICC का? तो दुबई में मुख्यालय। और दुबई कहाँ है? तो UAE में दुबई है। अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले है, न्यूजीलैंड के। और जनरल मैनेजर कौन है अभी वर्तमान में? तो वसीम खान जनरल मैनेजर है। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के, और जनरल मैनेजर है वसीम खान। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? एकलव्य पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी को। एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पंकज आडवाणी को। देखिए, एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। एग्जाम में आ सकते हैं कि एकलव्य पुरस्कार किस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है? तो ये उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है देख लेते हैं। देखिए, यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1999 को यूरो की स्थापना हुई थी। अभी यूरो जोन में कितने देश हैं? तो टोटल 20 देश हैं यूरो जोन में। और क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जगरेब है। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जगरेब है। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? कौन नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग ने किसको नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को। क्या नियुक्त किया है? तो राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। बिहार का चुनाव आयोग जो है मैथिली ठाकुर को राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी, इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? दुनिया का सबसे लंबा जो क्रूज है गंगा विलास, उसको लॉन्च किया है। तो वाराणसी से कहां तक लॉन्च किया है? तो वाराणसी से दोस्तों ये डिब्रूगढ़ तक गया था, तो इसका नाम था गंगा विलास क्रूज। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। तो मणिपुर के इम्फाल में। मणिपुर के कहाँ? इम्फाल में। तो मणिपुर का राजधानी है इम्फाल, तो इम्फाल में ही गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया था। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, मणिपुर जो है जो सेवन सिस्टर्स स्टेट है, उसका एक स्टेट है। जो सेवन सिस्टर्स स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय
और त्रिपुरा, जो भी उत्तर पूर्व का, उत्तर पूर्व का जो राज्य है तो उसमें सिक्किम को छोड़ करके, सिक्किम को छोड़ करके टोटल 7 राज्य जो है, 7 बहन के रूप में जाना जाता है, तो सिक्किम को उसमें 7 सिस्टर्स में नहीं माना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, असम हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएगा। और मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, एन वीरेन सिंह जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और राज्यपाल कौन है, नजमा हेपतुल्ला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, जाति आधारित जनगणना कहाँ शुरू हुआ है, तो ये बिहार में शुरू हुआ है। बिहार का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है राज्यपाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है, तो गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है, तो ये वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है, तो इसी को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की गई है। कुछ काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वर्तमान में, राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। उसके बाद बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन होने के बाद क्या क्या बना था, तो बंगाल विभाजन होने के बाद पूर्वी बंगाल बना था और पश्चिम बंगाल बना था। ठीक है, पूर्वी बंगाल में आते थे असम, देखिए यहाँ पर पूर्वी बंगाल में असम, उसके बाद पूर्वी बंगाल और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जितने भी थे वो पूर्वी बंगाल में आए थे, जिसकी राजधानी ढाका को बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन क्षेत्र आए थे, तो पश्चिम बंगाल में बंगाल आया था, बिहार आया था, उड़ीसा आया था, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो है उसको पश्चिम बंगाल में रखा गया था। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया था, कोलकाता को इसकी राजधानी बनाया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदौर में। ठीक है, कहाँ किया है, तो ये किया है इंदौर में। और इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, अभी वर्तमान में इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर में गिनती आता है। तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी तो वो 2002 में 9 जनवरी 2002 को पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। पहली बार कब, तो 9 जनवरी 2002 को पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया था। तो इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है डायस्पोरा रिलेबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। तो इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बन गया है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो ऑस्कर 2023 के लिए किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो राइट आंसर द कश्मीर फाइल को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखिए ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रत्येक वर्ष ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। और आरआरआर के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक हैं एसएस राजमौली। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो अब बात आती है कि भारत का कितना स्थान है, तो भारत का 85 स्थान है। ठीक है, और जापान की राजधानी टोक्यो जो है, टोक्यो कौन से द्वीप पर है, तो होंसू द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होंसू द्वीप पर स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा दिवस के अवसर पर कहां 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां किया है, राइट आंसर हो जाएगा हुबली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन
किया है। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या थी, विकसित युवा विकसित भारत। और 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष, देखिए सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 62 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष कौन सा देश कर दिया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष कर दिया है। देखिए, फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है, और फ्रांस की मुद्रा है यूरो, और फ्रांस के राष्ट्रपति इनेमुअल मैक्रोन को, फ्रांस के राष्ट्रपति इनेमुअल मैक्रोन है। हाल ही में बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है, तो सेना को आधा करने की योजना कौन बनाया है 2030 तक, तो श्रीलंका सेना को आधा कर देगा। हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पंजाब में। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, राइट आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में कौन खरीदा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाईकॉम 18 खरीदा है। हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है, दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था किस देश को घोषित किया गया है, वर्ल्ड बैंक ने घोषित किया है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान को। हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है, तो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है, तो ये बन गया है अमेजॉन। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है, तो अमेजॉन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है, तो भार ओएस विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने, भार यानी भारत, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, तो नीलमणि फुकन कौन थे, तो ये कवि थे, तो इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था नीलमणि फुकन को। हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल में। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कितने द्वीप का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 द्वीप का नामकरण किया गया है। हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल भाई पटेल को अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, कौन महोत्सव, तो ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख में। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो लद्दाख में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से किसको सम्मानित किया गया है, तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित
किया गया है। तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो पहली एशियाई कौन बन गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम योह। एम योह जो है पहली एशियाई बन गई है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.8%। हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? अब देखिए सिंधु जल संधि किस किस देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो सिंधु जल संधि में अगर संशोधन करना हो तो भारत किसको नोटिस जारी करेगा? ये करेगा पाकिस्तान को। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अमृत उद्यान किया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के हर घर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो लाडली बहना योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो पूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? कितना साल बाद? 30 साल बाद। और कहाँ खोला है? तो सोलोमन द्वीप में। और क्या खोला है? तो दूतावास खोला है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 तक के राज्य को 2023 तक जो है ना राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को नशा मुक्त करने का घोषणा किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। वर्ष 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2027 का फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य ब्राजील बन गया है। हाल ही में किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है? तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन कौन सा देश किया है, किसने किया है? तो ये किया है गिरिराज सिंह ने। हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया है? देखिए निसार उपग्रह विकसित किया गया है इसरो और किस देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा निसार उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो नासा जो है सो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसरो और नासा जो है उसके द्वारा निसार उपग्रह लॉन्च किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है भारत ने। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।